सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको फाइनेंशियल सर्विसेज का बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। देखिए, नाम से ही पता चल जाता है किसका मतलब क्या है। फाइनेंशियल सर्विसेज वो सारी सर्विसेज होती हैं, मतलब जो पैसे से रिलेट करती हैं, जो मैनेजमेंट ऑफ मनी से रिलेट करती हूँ, जो मोबिलाइजेशन ऑफ मनी से रिलेट करती हूँ कि पैसे को किस जगह पे अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है, किस जगह पे इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है कि ये अपना ज़्यादा से ज़्यादा हमें गेन दे, ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदा दे, किस जगह पे इसको इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो नाम से पता चल रहा है कि फाइनेंशियल सर्विसेज वो सारी सर्विसेज जो फाइनेंस से रिलेट करती हूँ, जो पैसे से रिलेट करती हूँ। इसमें अभी कौन कौन सी सर्विसेज आ जाती हैं? इन्वेस्टमेंट। अभी इन्वेस्टमेंट आपको आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो उसके शेयर खरीद रहे हैं, तो ये क्या एक किस्म की आपको सर्विसेज दी जा रही हैं। आप बैंक में पैसा डाल रहे हैं और बैंक आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है, तो ये भी एक फाइनेंशियल सर्विसेज है। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी एक किस्म की फाइनेंशियल सर्विसेज है। आप इंश्योरेंस दे रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी में पैसे दे रहे हैं, ये भी एक किस्म की फाइनेंशियल सर्विसेज है। आप बैंक से उधार पैसे ले रहे हैं, ये भी एक किस्म की फाइनेंशियल सर्विसेज है। आप मनी मार्केट से कोई पैसे ले रहे हैं, उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उधर से गेन कर रहे हैं, तो ये भी एक किस्म की फाइनेंशियल सर्विसेज है। आप स्टॉक ब्रोकरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रोकरेज का, तो ये भी एक फाइनेंशियल सर्विसेज है। आप अकाउंटेंसी कंपनीज का यूज़ कर रहे हैं, ये भी एक फाइनेंशियल सर्विसेज है। और बैंक जो होता है, बैंक एक किस्म की पैसे से रिलेटेड ही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। कोई पैसा जमा करवा रहा है, कोई ट्रांजैक्शन करवा रहा है, कोई पैसे को निकलवा रहा है, कोई किसी दूसरे मुल्क में भेज रहा है, कोई ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है पैसे के ज़रिए से। तो ये क्या सारी पैसे से रिलेटेड जो हमें सर्विसेज दी जाती हैं, जो पैसे से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज, लाइक इन्वेस्टमेंट आ गई, कोई इंश्योरेंस आ गई, कोई स्टॉक ब्रोकरेज आ गई, किसी म्यूचुअल फंड में हमने डाल दिया, कोई भी जो पैसे को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रही है, या कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड जो हमें सर्विसेज मिल रही हैं, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। आई होप आपको इसका कंसेप्ट पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।